हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो सब्सक्राइब के बाद बेल बटन आता है उसे प्रेस भी ज़रूर करना, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक दाल, जिसके लिए मैंने लिया है पालक, जिसे मैंने धो के काट लिया था, और उसके लिए मैंने दाल को गला लिया है। ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब दाल है। इसे मैंने 2 टमाटर के साथ में गला कर रख लिया है, और जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा कांदा, अदरक लहसुन और हरा धनिया का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्च जिसे इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, और हरा धनिया। तो देखिए, मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कांदा। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो शुरू करते हैं। प्याज को हल्का सा भूनेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मैंने ली है 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए, प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन और कोथमीर का पेस्ट, फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये सारे मसाले, इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और लाल मिर्च, फिर इसे थोड़ा सा भूनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये भून चुका है। इसे स्लो फ्लेम पर भूने। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पालक, और पालक जब आप ऐड करो तो गैस का फ्लेम स्लो रखना, और इसे अच्छे तरीके से इन मसालों में भूनना इस तरीके से। ये देखिए, इसे हमने मसाले में भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा। फिर हम इसे थोड़ा पालक पकने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, पालक पक चुकी है। बस हमें इतना ही इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं, वरना ये गल जाएगी और कुक हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करते हैं दाल। ये दाल 150 ग्राम है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, हमारी पालक दाल तैयार है। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। इसे आप चपाती के साथ, राइस के साथ खा सकते हो। ये देखिए, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे चपाती के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिश के साथ। अपना ध्यान रखना।